जैसे लोगों के नोशन होते हैं कि इसके डैडी भी एक्टर हैं, इसको तो बहुत हेल्प मिली होगी या व्हाटएवर, असलियत उल्टी होती है। पिताजी को बोला था कि मुझे एक्टर बनना है और उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ देखा कि बेटा देखो बाइक लेके दिया है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं थी, और जाओ जूते रगड़ो, ऑडिशंस दो, आज तक एक एड वर्कआउट नहीं हुआ मेरा, अब आता है तो मैं नहीं करता। अमीर से अमीर भी खुश नहीं है भाई, अमीर से अमीर को भी और उड़ने की आशा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक नई कोशिश है, जैसे हर शो में होती है, एक नई जर्नी है, एक नया किरदार है, एक नया शो है और एक नई उम्मीद है जो इस शो से जागी है। एंड आई होप कि जो प्यार लोगों ने मुझे दिया है, जो प्यार ऑडियंसेस ने मुझे दिया है, उसे मैं बरकरार रख पाऊँ, उसे दुगना कर पाऊँ इस शो से, और ये शो उतना ही सक्सेसफुल हो जितना पंड्या स्टोर था, या उससे भी कहीं ज़्यादा हो। एंड बहुत ही पॉजिटिव फील है मुझे इस शो के बारे में अब तक, और बाकी 12 मार्च के बाद पता चलेगा। पहले तो मैंने इन्हें गूगल किया कि कवर, अरे नहीं, बिकॉज मैं खुद डेली सोप नहीं देखती थी, फिर मुझे पता चला इन्होंने पांड्या स्टोर किया है, एंड देन आई स्टार्टेड स्टॉकिंग हिम, आई सॉ हिम कि उन्होंने पहले क्या काम किया, एंड देन आई गॉट टू नो, मैं जब मॉक शूट हुआ था आई तो वांटेड हिम ओनली बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था कि स्क्रीन स्पेस अच्छी हम शेयर कर रहे थे, सो आई रियली वॉन्टेड कि ही शुड बी द वन, एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि इनका जो नेचर है शो पे, मतलब सीन में या इन जनरल भी, इट्स क्वाइट कंफर्टिंग और बहुत ही बिंदास है, जिसकी वजह से हाँ, सो ही इज़ रियल सचिन, तो वो बहुत ही अच्छी एक एड ऑन हो जाता है उनके लिए कि वो अगर को स्टार को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली सीन आपको अच्छे दिखेंगे। घर में सबसे बेस्ट क्रिटिक होता है, जो बेस्ट क्रिटिक हैं उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहा? मेरे डैड, नहीं, हाँ, डैड और अरे यार मेरे घर पे नहीं रहती वो। अब सबसे पहले तो मैं अपने डैड की बात करूँगा, वो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं और वो हमेशा प्राउड ही फील करते हैं जब भी कोई अचीवमेंट होती है, क्योंकि जैसे लोगों के नोशन होते हैं कि इसके डैडी भी एक्टर हैं, इसको तो बहुत हेल्प मिली होगी या व्हाटएवर, असलियत उल्टी होती है। मेरे बाप जैसा कोई हेडस्ट्रॉन्ग इंसान होगा ना, जो सेल्फ मेड हो और आप उसके बच्चे हो, तो आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनली आपने कितने जूते रगड़े हैं अपने। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जर्नी मेरी अपनी है, भले वो सक्सेस हो, फेलियर हो या कुछ भी हो, तो उन्हें अच्छा लगता है। मेरी मॉम को भी अच्छा लगा। आप कितना भी काम कर लो, माँ बाप टिपिकल ही होते हैं और उनका प्यार भी टिपिकल ही होता है। रही एलिस की बात, एलिस को भी बहुत अच्छा लगा प्रोमो, शी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड फॉर इट, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड उसे स्पेसिफिकली सेकेंड प्रोमो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ वो भी खोज रही थी कि यार ये बस शिवा से अलग लगना चाहिए, तू बहुत बॉर्डर लाइन है, बहुत बॉर्डर लाइन है, थिन बॉर्डर है, थोड़ा भी इधर गया ना, तो अच्छा लगा। तो मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ अपने चाहने वालों का रिस्पॉन्स, एंड सबका रिस्पॉन्स अच्छा है, इंडस्ट्री फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, सो अच्छा लग रहा है। लास्टली लास्ट क्वेश्चन है, उड़ने की आशा दोनों, ये वर्ड्स आप दोनों की लाइफ में कभी तो आया होगा, ये वर्ड हमेशा, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वो कौन कब, वो कौन सा मोमेंट था जब ये वर्ड्स आपकी लाइफ में आया, वो पूरा हुआ? आई थिंक वर्किंग विद स्टार प्लस फॉर मी, बिकॉज जब से मैंने डेली सोप में काम करना स्टार्ट किया और एज ए लीड खुद को पोर्ट्रे करूँ कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, एंड इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो आई थिंक सपने पूरे होते हैं, बस आपको काम करना है, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। अगर खुद पे ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे कि आप कर पाओगे या होगा नहीं होगा, तो फिर वैसे ही रहेगा। यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, जिसकी वजह से आई थिंक आपकी आशाएँ और उम्मीदें पूरी तो होगी कभी ना कभी। मेरे लिए पर्सनली उड़ने की आशा तब मेरे अंदर जगी थी जब मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मुझे एक्टर बनना है, और उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ देखा कि बेटा देखो बाइक लेके दिया है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं थी, तो कॉलेज जाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ और जाओ जूते रगड़ो, ऑडिशंस दो। तो मैं ठाकुर कॉलेज में था एंड 17-18 साल का रहूँगा, तो लकीली पापा ने बाइक लेके दे दी थी,
तो रोज मैं कॉलेज के बाद आरामनगर जाता था, ऑडिशन देता था, कभी कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, आज तक एक ऐड वर्कआउट नहीं हुआ मेरा, अब आता है तो मैं नहीं करता, मतलब अब तो खुन्नस ही है कि साला करना ही नहीं है। सो इट हैपेंड बैक देन, बट जब मैंने ना बोले तुम बैक किया, द बड़ी प्रोजेक्ट किया, और उसके बाद जब हम है ना हुआ, जब मेरा पहला लीड मैंने किया, वहाँ से जो उड़ने की आशा, एक एक अब तो मेरे शो का टाइटल है, बट उड़ने की आशा किसे नहीं होती। जैसे मैंने कहा, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, अमीर से अमीर भी खुश नहीं है भाई, अमीर से अमीर को भी और उड़ने की आशा है। तो मतलब जब आप कुछ नहीं होते और आपको कुछ बनना होता है, तो वो उड़ने की आशा जब तक आपके अंदर नहीं होगी, जब तक वो हंगर नहीं होगा, तब तक आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचोगे ही नहीं। तो मतलब वो उड़ने की आशा मैंने हमेशा से रखी है और कॉन्स्टेंटली खुद पर काम किया है, तभी यहाँ बैठा हूँ बस।